दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण के स्तर ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। आतिशबाजी की वजह से मौसम धुंधला सा हो गया है। कई जगहों पर पीएम 2.5 का स्तर तय सीमा से 10 से 15 गुना तक बढ़ गया है। दिल्ली के हर कोने से पटाखों की आवाज देर रात तक गूंजती रही। यहाँ मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के इलाके के अंदर, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको चारों ओर आतिशबाजी ही आतिशबाजी जो है वो होती हुई फिलहाल जो है वो नजर आएगी। जबकि इस तरीके की आतिशबाजी पर पूरी तरीके से जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रोक लगाई गई थी ताकि इस तरीके से पटाखे जो है वो दिल्ली के अंदर ना चलाए जाएं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पटाखों जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी टीमें जो है वो तैनात की गई थी ताकि वो इस पूरे पटाखों की बिक्री पर, उनके इस्तेमाल पर जो है वो रोक लगाए। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो आतिशबाजी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का लेवल पीएम 2.5 का जो लेवल है वो सुबह तक जो पुअर कंडीशन में था, अब वो अगर कहा जाए तो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। आप देख सकते हैं सफर की ये साइट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इस वक्त वेरी पुअर स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पीएम 2.5 का लेवल जो है इस वक्त आपको नजर आएगा। ईस्ट दिल्ली के बाद अब साउथ दिल्ली का हाल देख लीजिए। लाख सख्ती के बावजूद यहाँ भी दिल्ली वालों ने जमकर जलाए पटाखे। दीपावली के मौके पर देर रात तक खूब आतिशबाजी हुई। तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके की है जहां हर तरफ आतिशबाजी होती दिखी। ये आईटीओ की तस्वीरें हैं। दिवाली की रात यहां का नजारा भी बदला हुआ था। पटाखों की वजह से यहां की फिजा बिगड़ चुकी थी और इसका असर साफ दिख रहा था। दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद में यूं तो पटाखे बैन हैं, लेकिन इस बैन के धज्जियां जमकर उड़ी। हर तरफ लोग पटाखे छोड़ते दिखे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। दिल्ली वालों ने पटाखे तो जमकर छुड़ा लिए, लेकिन अब जरा APY के आंकड़ों पर नजर दौड़ा लीजिए जो बता रहे हैं कि पटाखों के धुएं से कितना नुकसान हो गया है। पीएम 2.5 यानी महीन धूल कण का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, लेकिन पीएम 2.5 का स्तर कहां कितना था ये देख लीजिए। आरकेपुरम में पीएम 2.5 का स्तर शाम 5 बजे 75 था, जो रात 9 बजे 365 से 863 हो गया, यानी 15 गुना। रोहिणी में 5 बजे 55 था, जो 9 बजे तक 257 से 354 हो गया। अशोक विहार में पीएम 2.5 218 से 393 दर्ज किया गया, जो शाम 5 बजे सिर्फ 62 था। विवेक विहार में इसका स्तर 285 से 555 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 पर था। आनंद विहार में पीएम 2.5 रात 9 बजे 256 से 367 हो गया, जो शाम 5 बजे 74 था। इसी तरह पंजाबी बाग में ये 218 हो गया, जो 5 बजे 86 का स्तर दिखा रहा था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे 66 था, पर रात 9 बजे 299 से 465 हो गया, यानी 8 गुना ज्यादा। इसी तरह रात 10 बजे के आंकड़ों पर गौर कीजिए। पीएम 2.5 करनी सिंह शूटिंग रेंज पर 714 रहा,
नेहरू नगर में 642 और सोनिया विहार में 394। कुल मिलाकर पटाखों ने दिल्ली में हवा का हाल खराब कर दिया। कुमार कुणाल और अमरदीप कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।